के बच्चे शहीद हुए आके सड़कों पे, जो 20-22 साल के 25 साल के बच्चे शहीद हुए। बीबी खान साहब को रात मुजाकरात उनके साथ हुए, डॉक्टर आरफुल अलवी को सदर आरफ अली को बुलाया, इसीलिए गया मुजाकरात हुए कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। हाँ, करोड़ों रुपया, वो करोड़ों रुपया हमारे टैक्स के पैसा होता है, वो हमारे टैक्स का पैसा होता है। पीटीआई की आवाम, पीटीआई के लोगों को जो खान साहब की तरबियत है, उन्होंने पूरा एहतजाज किया है। जब आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है और आप चुप करके वो जुल्म सह रहे हैं ना, तो सबसे बड़े जालिम आप खुद हैं। कानून एक, दस्तूर एक, आईन एक, उस गलीज उस औरत का तो नाम भी मत ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है, जी। क्या जरूरत थी? 2 बजने वाले हैं, 1:30 से भी ऊपर का टाइम है, क्या वजह है कि माओं बहनें बेटियों को बाहर आना पड़ा? ये खान साहब की मोहब्बत है उनका अपनी आवाम के लिए, इतनी सिंसियरिटी। आप ये पूछें कि क्या ज़रूरत थी जो माओ के बच्चे शहीद हुए आके सड़कों पे, जो 20-22 साल के 25 साल के बच्चे शहीद हुए, क्या ये मोहब्बत नहीं है? क्या खान साहब वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे? वो हमारी जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे। वो अपने चाहते तो वो अपनी बादशाहत की ज़िंदगी गुजार सकते थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमने कह दिया कि खान साहब ने शहादतें लेनी थी, वो लेनी है। खान साहब को तो ऑफर हुई है, अभी भी खान साहब को रात मुजाकरात उनके साथ हुए, डॉक्टर आरफुल अलवी को सदर आरफ अली को बुलाया, इसीलिए गया मुजाकरात हुए कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मैं अपनी आवाम के लिए हूँ, मेरी आवाम जो मैंने गुर्बत से और इस जो इतनी फस्ताइयत से मैं अपनी आवाम की मैंने जान छुड़ानी है और इनको उस लेवल पर लेके आना है कि जो सबके लिए बराबर हो, तालीम बराबर हो, उनके लिए सेहत बराबर हो। जो इनके बच्चे जो इन जो तालीम ले रहे हैं, जो वही एक आम बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी वही तालीम ले, जो अमीर का बच्चा ले रहा है वही। ये क्यों भाई, ये कैसे हो सकता है? वो करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं। करोड़ों रुपया नहीं लेते वो तनख्वाह, करोड़ों रुपया, वो करोड़ों रुपया हमारे टैक्स के पैसा होता है, वो हमारे टैक्स का पैसा होता है। कैसे एक जगह से तालीम ले लें? क्यों, हम भी वही इंसान है, हम टैक्स पे करते हैं, इस मुल्क के वारिस हम हैं, वो नहीं है, वो सिर्फ हमारे नौकर हैं और हम उन नौकरों के, वो नौकर हमारे सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए हैं, हमारी खिदमत के लिए हैं। पीटीआई की आवाम, पीटीआई के लोगों को जो खान साहब की तरबियत है, उन्होंने पूरा मन एहतजाज किया है। खान साहब ने कभी किसी अपने कारकुन की ऐसी तरबियत नहीं की, और आपने इससे पहले भी जितने भी हो चुके हैं, मतलब पूरा मन एहतजाज, उसमें कभी आपने देखा तोड़फोड़ हुई? कभी किसी ने देखा हो कोई इस तरह? ये इन्होंने इसमें जो करवाया सारा कुछ, बैंक इन्होंने जलवाया, कोर कमांडर हाउस इन्होंने तोड़फोड़ की। आखिर नुकसान तो हुआ ना, नुकसान हुआ, लेकिन मेरी बात सुनिए, जिसकी तरफ कभी हम कैंकर भी नहीं फेंक सकते थे, रोड़े फेंकते हुए तो हमने तहरीके इंसाफ के, इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? क्या आपको आपका इस्लाम, आपको मेरी तहरीके इंसाफ कैसे हुई? आपका इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है, जब आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है और आप चुप करके वो जुल्म सह रहे हैं ना, तो सबसे बड़े जालिम आप खुद हैं। जब आप अपने मतलब जुल्म होता हुआ देख के, एक देखने वाले के ऊपर भी वही मतलब के वो फर्ज बनता है कि आप जुल्म को, उस मजलूम की जान छुड़वाएं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल हुआ, अभी कुछ बहनें बेटियां माएं जेलों में हैं, कुछ का पता ही नहीं कहाँ पे हैं, किसने किया? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आपको पता है कौन है? ये ऊपर जो बड़ी ताकत बैठी हुई है, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत, ये अल्लाह ताला ने उनको जो सौंपा हुआ है कि अपनी आवाम की खिदमत के लिए, चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता इसको इज्जत कहते हैं। ये इज्जत ये है जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इज्जत ये है, इज्जत वो नहीं है जो गालियाँ खा रहे हैं घर बैठे हुए, उधर जो पीछे बैठे हुए गालियाँ खा रहे हैं, जो सामने भी नहीं आ रहे, इतनी इतनी उनके अंदर है ना, तो सामने आए, आवाम का सामना करें, जैसे खान साहब करते हैं, इसको इज्जत बोलते हैं। इस मुल्क का बच्चा बच्चा जो है ना, वो जान चुका है, एक 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा भी जान चुका है कि इस कौम की, इस मुल्क को कौन 75 सालों से खा रहा है, ठीक है, इस मुल्क को कौन ऊपर नहीं आने दे रहा। कि आज हमारे बच्चे, उनके बच्चे देख लें, बराबर कानून एक होना, जो खान साहब कहते हैं कानून एक, दस्तूर एक, आइन एक, ना आज आइन की पामाली हो गई, अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे, आइन को रोन दिया गया, 75 सालों से जो हमारे ऊपर ये मुसल्लत हुए हुए हैं, सामने आ जाते हैं सियासतदान और पीछे ये अपने, मरियम नवाज कह रही है कि खान अब अदालतों के कंधों पर सवार होके आना चाह रहा है, कौम पर मुसल्लत, उस गलीज उस औरत का तो नाम भी मत ले। औरत किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? चोर की बेटी, चोर डाकू लुटेरे की बेटी है वो।
आपने दवाई छोड़ कर दी, वो बेचारा दवाई लेने गया, फिर भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि छोड़ दवाई लेनी है। चार साल से वो दवाई नहीं, जो खान साहब इधर गोलियां खा के भी बैठे हैं, तीन माह में चार माह में वो अपनी टांग पे खड़े होकर उन्होंने आवाम के सामने उन्होंने दिखाया और वो चार साल से वो दवाई लेने गया, अभी उसकी दवाई नहीं। अगर दवाई मौजूद होती तो बना जाता बाहर देने, तो वो रखते ना दवाई। तो हुकूमत थी ना उस वक्त, दवाई क्यों शॉर्ट की खान साहब ने? खान साहब ने दवाई शॉर्ट की, वो उसने अपनी 30 सालों से जो हुकूमत बनाई थी, क्यों नहीं उसने कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे अपनी दवाई ले सके? खान साहब ने शौकत खानम बनाए, खान साहब ने 3 शौकत खानम बनाए, अपने अपना इलाज अपने शौकत खानम से करवाया, बाहर तो नहीं भागे खान साहब, इधर ही रह के अपना इलाज करवाया। अब भी खान साहब के ऊपर मतलब जितनी वो तकलीफ में अदालतों का सामना कर रहे हैं, उनको हर रोज़ उधर भगाया जा रहा है, हर रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर रोज़ इस्लामाबाद, किस लिए? लेकिन वो जाते हैं तकलीफ की हालत में, बुखार की हालत में, शदीद तकलीफ, वो कानून के और कानून के दायरे में रह कर वो अपनी मतलब के जो कानूनों करोड़ों रुपयों की जो करप्शन है इस ट्रस्ट केस में, तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। कौन से केस में? ये जो अल-कादर ट्रस्ट केस है, उन्होंने वहाँ पे करोड़ों रुपए की, वो अगर किसी DHA को मिल जाती, कहीं वो किसी जर्नैल को मिल जाते वो प्लाट, तो वो तब तो ठीक था, वो कहीं ये इनके जाति उमरा बन जाता, बिलावल हाउस बन जाता, वो ठीक था। उसमें तो फिर मलक रियाज भी शामिल है, मलक रियाज को क्यों नहीं पकड़ा? मलक रियाज उसने इमरान खान ने वो तालीम वहाँ अल-कादर यूनिवर्सिटी में तालीम बच्चों को फ्री मिल रही है, ठीक है, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे रहमतुल्लाह अलमीन, जहाँ पे आखिरी मतलब कि दुनिया और आखरत की दोनों की तालीम दी जाती है, बच्चों को फ्री दी जाती है। खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं किया, अगर खान साहब वहाँ पे किसी इनके इन जैसे डाकुओं को वो दे देते तो फिर तो ठीक था, लेकिन खान साहब ने अपनी कौम का फ़ायदा सोचा, अपनी आवाम का फ़ायदा सोचा, इसलिए खान साहब को पकड़ा गया, क्योंकि इनको खान साहब के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ढूंढ के केस ले आते हैं, कुछ ना कुछ डाल के केस तो अच्छा बना दे। ये नाजरीन फैसला आपने करना है, इस धरती के नमोस को कौन पमाल कर रहा है, सबद हलाली परचम की जो तकदस है उसकी पमाली कौन कर रहा है, फैसला आपके पास है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को आजादी, ये देखते रहिए नवा इंसान, अल्लाह निगेबान।